आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या फिर वायनाड वन्य जीव अभयारण्य? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, जो पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। कावेरी बेसिन का विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। चूंकि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उत्तर में स्थित है, इसलिए ए और डी विकल्प गलत हो जाते हैं। नागरहोले नेशनल पार्क कर्नाटक में मैसूर पठार और नीलगिरी हिल्स के बीच स्थित है और कावेरी बेसिन में आता है। बात करें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की, तो यह टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के मिलन बिंदु पर है। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है। यह संरक्षित क्षेत्र भी कावेरी बेसिन में आता है। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल के पूर्वी इलाके में और कावेरी बेसिन में आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।